गोंदिया शहर थाना अंतर्गत दो अज्ञात बाइक सवारों ने खुद को सीआईडी पुलिस बताते हुए बुजुर्ग की पैसों से भरी बैग में गांजा होने की बात कहकर जांच के नाम पर उनके बैग में रखे 1,35,000 रुपए की कैश उड़ा ली। ये घटना 6 जनवरी की दोपहर में हुई है। इस घटना को लेकर ग्राम पिंड के पार निवासी फरियादी वसंत राव बकाराम सोनवारे उम्र 79 वर्ष ने गोंदिया शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर में फरियादी अपने एचएम मर्चेंट से जनता सहकारी बैंक शाखा देशबंधु वार्ड में पैसे जमा कराने के लिए पैदल जा रहे थे। अजमेरा प्लाईवुड दुकान के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर खुद को सीआईडी पुलिस बताते हुए बुजुर्ग के बैग में गांजा होने की बात कहकर तलाशी लेने की बात कही। बुजुर्ग के बैग में 2,500, 200, 100, 50, 20 एवं 10 रुपए के बंडल इस प्रकार कुल 2,01,000 रुपए थे। इसी दौरान फरियादी वसंत राव ने उनसे पहचान पत्र दिखाने को कहा, तब एक जैकेट पहने युवक ने अपने जेब से पुलिस होने का पहचान पत्र दिखाया। तब एक युवक ने वसंत राव का बैग लिया, वहीं दूसरे युवक ने वसंत राव को बातों में उलझा कर बातों बातों में उसके बैग से राशि उड़ा ली। इसके बाद दोनों युवक घटनास्थल से फरार हो गए। जब वसंत राव ने अपने बैग की जांच की तो उसमें से 1,35,000 रुपए गायब दिखाई दिए। इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। शहर थाने में दो अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ भानवी की धारा 419, 170, 171, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राउत कर रहे हैं।